पटना में कल दिन दहाड़े एक जेडीयू के नेता की हत्या हो जाती है, उसके बाद बिहार में क्राइम पर फिर से सवाल उठने लगा है। मीडिया ने जब बीजेपी नेताओं से सवाल किया तो उनका कहना है कि ऑर्गेनाइज तरीके से जो पहले हत्याएं होती थी वैसी हत्या बिहार में नहीं होती है। हालांकि कोई भी हत्या दुखद है, लेकिन अगर अपराधी पाताल में भी छुपे होंगे तो हम उनको गिरफ्तार जरूर करेंगे। सुनिए हरिभूषण ठाकुर बचौल और जीवेश मिश्रा मंत्री को। चल साहब, नरसंहार होना गलत था, लेकिन हत्या होना गलत नहीं है। बचाओ जी, बचाओ जी, बचाओ जी, एक सेकंड, बचाओ जी, एक सेकंड। कानून का राज है, पहले जो कर रहे हैं इस पर मुद्दा उठा रहे हैं। पहले नरसंहार होता था, चाहे लक्ष्मणपुर बातें हो, सेनारी हो, बारह नरसंहार हो, नरसंहार नहीं ना हो रहा है। आपसी दुश्मनी में एक आध घटनाएं तो होती रहेगी, इसको जब तक ये सृष्टि है नहीं रोका जाएगा। अपराधियों को क्या पकड़ पाएगी पुलिस जल्द से जल्द? निश्चित पताल में होगी तो पुलिस पकड़ लेगी। तो सारे लोग बिहार के नागरिक हैं, हत्या दुखद है, लेकिन जो अपराधी है वो पताल से ढूंढ करके पकड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री पर हमला हो जाता है और कल पटना में जेडीयू के नेता की हत्या हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी पर जो हमला हुआ वो काफ़ी निंदनीय है। पक्ष विपक्ष सभी ने उसकी निंदा की है और लोकतंत्र में इसकी कहीं कोई जगह नहीं है। हम भी इसकी भर्त्सना करते हैं और कभी भविष्य में जो सुरक्षा में लगे अधिकारी हैं उनसे कहाँ चूक हुई उन पर भी कठोर कार्रवाई करने की अपने तरफ से मैं आग्रह भी करता हूँ। साथ ही साथ कल जो घटना घटी है उस पर भी खेद प्रकट करते हैं। घटना की जांच होगी और जो भी इसमें दोषी होंगे वो बक्से नहीं जाएंगे। पहले इसका जांच होगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। नेता जब नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक का क्या? देखिए, ऐसा नहीं है नेता सुरक्षित नहीं है, आप ये बात किस आधार पर कह सकते हैं? अब कोई घटना, बिल्कुल कोई घटना अगर नहीं घटती हो कहीं, ऐसा कोई एक आदर्श राज्य पूरे बिहार में मुझे बता दीजिए। और घटना बिल्कुल ही नहीं घटेगी ऐसा मतलब मुझे नहीं लगता है, कोई एक एक राज्य बता दीजिए। और लगातार पिछले 15 वर्षों से नेशनल क्राइम रिपोर्ट में बिहार का स्थान जो है वो अच्छा हुआ है, नीचे गया है। हम क्राइम हमारे यहाँ ख़त्म हुई है, ऑर्गेनाइज क्राइम तो बिहार के अंदर अब है ही नहीं, निग्लिजिबल है, तो इस पर भी विचार करना चाहिए। तो सुना आपने जीवेश मिश्रा और हरिभूषण ठाकुर बचौल को, जो अपनी बातों को रख रहे थे और कह रहे थे कि बिहार में अपराध बहुत कम हुआ है। नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिपोर्ट है उसमें बिहार का स्थान काफ़ी नीचे गया है। बता दें कि बिहार में कल पटना में एक जेडीयू के नेता का दिन दहाड़े हत्या हो गया था और उसके बाद से फिर से सुशासन पर सवाल उठने लगा है। लगातार हत्याएं हो रही है, आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा, दो दिन पहले की बात कर ले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खुद हमला हुआ था जिसको लेकर के सभी ने इसकी निंदा की। लेकिन अब प्रश्न उठ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अपने ही राज्य में खुद सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या हाल है? इस पर नेताओं का कहना है कि कोई भी अपराधी हो बच नहीं सकता है, अपराध करने के बाद कहीं वो भाग नहीं सकता है, हम उनको गिरफ्तार करके सजा ज़रूर दिलवाएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे सरकार एक्शन लेती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बन रहे हमारे साथ।